नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, नाउ एट कटारा डिफेंस एकेडमी। नए कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और आज इस लेक्चर में हम लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बेसिकली लाइट ऑप्टिक्स को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, मिरर्स पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लेंसेज के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम ऑप्टिकल फिनोमेना यानी प्रकाशिक परिघटनाएं, जैसे मिरेज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम वहां डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम पहले रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस, जिसमें मिरर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन अ प्लेन मिरर, देन व्हाट इज द डेविएशन ऑफ लाइट रे प्रोवाइडेड बाय द मिरर। हिंदी में कहा जाता है कि यदि एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित है तो दर्पण द्वारा प्रदान किया गया विचलन क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं। ये कोई प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पर आने वाली जो लाइट रे होती है, इसे हम इंसिडेंट लाइट रे या हिंदी में आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, और जब ये टकराकर वापस लौट जाती है तो जाने वाली को हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे या हिंदी में हम इसे जो है परावर्तित प्रकाश किरण कह देते हैं। अब कहा जाता है कि जिस पॉइंट पर लाइट रे टकराती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या आपतन बिंदु कह देते हैं, और यदि इस बिंदु पर हम मिरर के लंबवत परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं तो इस परपेंडिकुलर को इंग्लिश में नॉर्मल और हिंदी में आप लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। आगे कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट लाइट रे है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के नाम से जानते हैं, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। अब कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, यानी आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। दिस इज द कंसेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि प्रकाश किरण को जो विचलन प्रदान किया गया है वो क्या है, विचलन क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे सीधी चली जाती, बिल्कुल चली जाती, लेकिन इस मिरर के आने की वजह से प्रकाश किरण अपने रास्ते पर न जाके टकराकर वापस लौट आई। तो कहा जाता है कि जाना इसे ऐसे चाहिए था, फाइनली चली ये ऐसे गई, तो कितने एंगल पर ये टर्न हो गई, कितना एंगल इसे मिला, इसे कहा जाता है विचलन यानी भटकना। क्लियर। अगर अब मैं देखना चाहूँ यहाँ पर तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो जब ये 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 30 डिग्री होगा। क्लियर। तो यहां से यहां तक ये टोटल एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। उसके बाद अगर मैं ये एंगल फाइंड करना चाहूं तो आप जानते हैं ये पूरा का पूरा एंगल होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से अगर आप ये एंगल यहां पर माइनस कर देंगे 60 डिग्री, तो आपके पास एंगल मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, देन आंसर गोज टू द 120 डिग्री। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 120 डिग्री। इसका मतलब कि प्रकाश किरण अगर 30 अंश के कोण पर आपतित है तो उसे जो विचलन प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 120 डिग्री। तो आंसर आपका लिखा हुआ है डी ऑप्शन, 120 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस्ड अ रियल इमेज फॉर एन इंसिडेंट लाइट रे देन द नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम विल बी। क्लियर। यानी कि किसी प्लेन मिरर पर एक जो है प्रकाश पुंज आपतित हो रहा है तो इस प्रकाश पुंज द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रकाश पुंज कैसा होगा। जनरली आप लोग ये जानते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है ये कभी रियल इमेज नहीं बनाता है। प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है। कैसे बना सकता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई लाइट बीम कुछ इस तरह से, दैट मींस कन्वर्ज होती हुई अगर प्लेन मिरर पर
गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो ये टकरा कर अंदर की ओर आएगी, और जब ये टकरा कर अंदर की ओर आएगी तो ये रियल इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी इस समय, वो इमेज रियल इमेज बनेगी, वो इमेज वास्तविक इमेज बनेगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि किसी प्लेन मिरर पर आपतित प्रकाश पुंज डाइवर्जेड है, डाइवर्जेंट मतलब अभिसारी है, यानी उस पर इकट्ठा होता हुआ आ रहा है, तो जो इमेज बनने वाली है वो रियल इमेज बनने वाली है। तो आपका आंसर जाएगा आंसर सी, द डाइवर्जेड, हिंदी में लिखा हुआ है अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज निश्चित तौर पर प्लेन मिरर के द्वारा एक रियल इमेज का निर्माण कर सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड देन लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि यदि किसी समतल दर्पण को आप घुमा रहे हैं तो उसके ऊपर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो किस कोण पर घूम जाएंगी। तो आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, मान के चलो ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पर ये लाइट रे थीटा एंगल से रोटेट हो, थीटा एंगल पर आ रही है, और आपने इस प्लेन मिरर को रोटेशन देना शुरू किया, प्लेन मिरर को आपने रोटेट करा दिया। तो जब आप प्लेन मिरर को रोटेट कराएंगे तो ये जो लाइट रे है, मान के चलो आपने प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट कराया या अल्फा से रोटेट कराया, किसी भी एंगल से रोटेट कराया, तो ये जो लाइट रे होगी वो इस एंगल के डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी। यानी ये जो लाइट रे यहाँ पर आ रही थी, ये जब रोटेट होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एंगल होगा वो 2α होगा। 2α का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट रेज जो होंगी वो प्लेन मिरर जिस एंगल से घुमाया जाएगा उसके दुगने एंगल से घूम जाएंगी, डबल। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखे हुए हैं, शोज नो डेविएशन, नो रोटेशन, नहीं ये गलत है, रोटेट्स बाय द एंगल डबल ऑफ द मिरर रोटेट्स, हाँ ये आंसर सही है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर जाएगा, दैट आंसर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th लिखा हुआ है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, एक समतल दर्पण में वस्तु द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा। ये वही क्वेश्चन जो अभी अभी मैं आपसे कह रहा था कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना सकता है। तो जनरली जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा, अगर मैं आपके सामने एक प्लेन मिरर और इसमें इमेज ड्रॉ करने के बारे में बात करूँ, तो ये कोई प्लेन मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है, तो ये जो यहाँ पर इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर बनेगी ए डैश बी डैश, और ये जो इमेज होगी, सबसे पहली बात तो ये आभासी है, हिंदी में आप लोग कहते हैं वर्चुअल, दूसरी बात ये सीधा है प्रतिबिंब, और तीसरी बात ये वस्तु के समान आकार का बनता है। जैसे आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो शीशे में आप जो दिखाई देता है, आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो आभासी होता है, सीधा होता है, और उतना ही बड़ा होता है जितना कि आप हैं। क्लियर? तो निश्चित तौर पे आंसर जो जाएगा, सीधा वास्तविक समान आकृति का, नहीं वास्तविक तो नहीं होगा, सीधा आभासी समान आकृति का, हाँ ये आंसर सही है। तो आपका आंसर जो जाएगा ऑप्शन में, वो जाएगा आंसर नंबर बी। क्लियर? चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द आईज ऑफ पर्सन इज एट अ हाइट ऑफ 170 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, वट विल बी द हाइट ऑफ प्लेन मिरर सो दैट पर्सन कैन सी इट्स फुल इमेज। हिंदी में लिखा हुआ है, एक 180 सेंटीमीटर का व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, उसकी आंखें जमीन से 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हैं, यदि हाँ हैं, दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी कि वह अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो देखो क्वेश्चन तो बड़ा जो है कह सकते हैं अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट आप इसे याद रख सकते हैं, आपको कुछ भी दिया जाए, इतना सारा इसमें डाटा दे रखा है, उस डाटा का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी पर्सन को अपनी फुल इमेज देखने के लिए, मान के चलो ये कोई भाई साहब हैं और यहाँ पर कोई ये प्लेन मिरर है, और ये भाई साहब अपनी पूरी इमेज इस प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं, इन भाई साहब की हाइट h है, तो ये जो प्लेन मिरर होगा, इस प्लेन मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए, मस्ट बी द हाफ ऑफ द
हाइट ऑफ द पर्सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी इमेज किसी समतल दर्पण में देखना चाहता है तो उसे दर्पण का साइज अपनी हाइट का कम से कम आधा लेना पड़ेगा, इससे कम में वो अपनी इमेज नहीं देख पाएगा। क्लियर? तो आंसर बहुत सीधा सीधा जाएगा, व्यक्ति की हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पर, 180 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दर्पण की हाइट कितनी हो जानी चाहिए, दैट विल बी 90 सेंटीमीटर। तो निश्चित तौर पर आंसर आपका क्या जाएगा, 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि समतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब पूरा देखना चाहे तो अपनी हाइट का आधा हाइट होनी चाहिए या आधी लेंथ होनी चाहिए समतल दर्पण की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, when two plane mirrors are placed at right angles with each other, then what will be the number of images formed of an object placed between the mirrors? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि जब दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो दर्पणों के मध्य रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मैं आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि दो दर्पणों के बीच में एक फूल रखा हुआ है, दो दर्पणों के बीच में एक मोमबत्ती रखी हुई है, दो दर्पणों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एंगल दे रखा है दर्पण किस एंगल पर रखे हुए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें होती है लेकिन आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना है जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको याद रखना है द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। मतलब कोई भी दर्पण जो किसी एंगल थीटा पर आपस में रखे हुए हैं दो समतल दर्पण, उनके द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 डिवाइड बाई 90 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, देन आंसर विल बी 4 माइनस 1 एंड दिस इज द आंसर 3। तो कितनी इमेजेस प्राप्त होंगी, तीन इमेज बनेंगी, तीन प्रतिबिंब बनेंगे उन दर्पण में जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखे हुए। तो आंसर आपका जाएगा आंसर बी इज द राइट, तीन प्रतिबिंब बनेंगे। अब ये तीन प्रतिबिंब कैसे बनेंगे तो मैं आपको एक बार ये भी दिखा देना चाहूंगा। देखिएगा, एक समतल दर्पण ये है और दूसरा समतल दर्पण ये है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज तो यहाँ बनेगी, दूसरी इमेज यहाँ बनेगी और तीसरी इमेज यहाँ बनेगी। देर आर थ्री इमेजेस ऑफ, क्लियर, ये तीन इमेजेस, पहली दूसरी तीसरी। तो इस प्रकार इन दो समतल दर्पणों में जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के अंश पर रखे हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट की तीन इमेजेस बनेंगी जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू प्लेन मिरर्स placed parallel to each other facing, parallel to each other facing each other, then the number of images of an object formed in the mirror are, दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन वही वापस से, आपको क्या करना है, n equals to 360 divide by theta minus 1, तो n equals to 360 divide by, अब एक दूसरे के समांतर रखें तो एंगल कितना हो गया, 0 minus 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, कुछ भी अपॉन जीरो होता है इन्फिनिटी, तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दो समतल दर्पण अगर एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं तो निश्चित तौर पर अनंत प्रतिबिंब उनमें बनेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष रखे होने पर, समांतर रखे होने पर। अब अगर इसमें आगे बात की जाए कि कैसे रखे हुए हैं तो मैं जरा इसे दिखा देना चाहूँगा अभी आपको कि एक समतल दर्पण ये है, इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा इमेज कैसे बन रही है, दूसरा समतल दर्पण ये है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, अभी एक दूसरे के सापेक्ष यानी एक दूसरे के अगर सापेक्ष देखा जाए तो जीरो डिग्री पर रखे हुए, समांतर रखे हुए एक दूसरे के सापेक्ष सामने सामने, जैसे आपने देखा होगा नाई की दुकान में रखे रहते हैं, नाई की दुकान में जो दर्पण होते हैं, मिरर्स होते हैं, एक सामने होता है एक पीछे होता है, आप उसमें अगर अपनी इमेजेस देखेंगे तो आपको कंटिन्यू बहुत दूर तक आपको अपनी इमेजेस दिखाई देंगी, आप उन्हें काउंट ही नहीं कर पाएंगे। कैसे, इसकी इमेज यहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की, इसकी यहाँ बनेगी, इस इमेज की एक और इमेज यहाँ बनेगी, इस इमेज की एक और इमेज यहाँ बनेगी, इस इमेज की एक और इमेज यहाँ बनेगी,
इस इमेज की एक और इमेज यहाँ बनेगी, मतलब इमेज एक दूसरे को रिपीट करती जाएंगी कंटिन्यूअस और आप इन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे, देन द इमेजेस विल बी इन्फिनाइट। क्लियर? चलिए, देन आंसर इज द डी, अनंत इमेज बनेंगी यहाँ पर, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चेक कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर में जो है दाढ़ी बनाने के लिए कैसे मिरर इस्तेमाल, कैसे दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम जानते हैं शेविंग मिरर या जो कह सकते हैं कि मेकअप मिरर्स जो होते हैं, वो ऐसे मिरर्स होते हैं जिनमें कि व्यक्ति को अपना चेहरा बड़ा दिखाई दे, ताकि वो अपने चेहरे को अच्छे से उसे देख सके, उसे अच्छे से मेकअप कर सके। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अगर हम दर्पणों में बात करें, तो अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल से कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, समतल दर्पण से कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो याद रखेंगे, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दर्पणों में सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। समतल दर्पण वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कभी बड़ा नहीं बना सकता। बड़ा प्रतिबिंब अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमेशा कैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, अवतल दर्पण इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अवतल दर्पण आंसर इज ए। तो डेफिनेटली आपके जो शेविंग मिरर्स होते हैं या मेकअप मिरर्स होते हैं, वे अवतल दर्पण होते हैं, वे कॉनकेव मिरर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ पर्सन सी इट्स लार्ज इमेज इन अ मिरर, देन द मिरर विल द सेम क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब बड़ा प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा होगा? पहला है ऑप्शन कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, तीसरा प्लेन, और ऑल ऑफ दिस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है तो उत्तल दर्पण हो, क्योंकि उत्तल में तो हमेशा छोटा दिखाई देगा। समतल हो, क्योंकि समतल में तो हमेशा बराबर आकृति का दिखाई देगा, समान आकार का दिखाई देगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका? द आंसर इज ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ही व्यक्ति को अपना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है, इसके अलावा नहीं दिखाई देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज फॉर्म्स ऑलवेज द स्मॉल इमेजेस। निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा छोटा। देखो, अवतल दर्पण छोटा, बड़ा और समान आकृति का तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द जो आपकी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपका जो वस्तु रखी हुई है, उसके आधार पर अवतल दर्पण तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, बड़ा, छोटा और समान आकृति का। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता। तो इसका आंसर क्या जाएगा? द सेकेंड आंसर इज उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, कभी भी बड़ा प्रतिबिंब ये दर्पण नहीं बना सकता। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो आंसर जाएगा उत्तल दर्पण। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों में लगे दर्पण जिनमें पीछे की वस्तुएं दिखाई देती हैं होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। द रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स आर, वाहनों में जो पीछे वाले मिरर्स लगे होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो वाहन होते हैं, मान के चलो ये कोई कार है, मैं ऊपर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई कार है, इसके पीछे ये पूरा रास्ता है, यहाँ पर इसका मिरर लगा हुआ है, इस मिरर में ये पूरे रास्ते को अपना देखना चाहता है। तो अगर इस मिरर को ये कॉनकेव बनाएगा, कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण रखेगा, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़े बनते हैं। जब बड़े प्रतिबिंब बनेंगे तो पीछे के सारी वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इसके बाद ये अगर इसे उत्तल दर्पण रखता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, सदैव छोटे बनते हैं, सदैव प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। तो जितनी भी यहाँ पीछे जो भी वस्तुएं होंगी, वो सब इसमें छोटी दिखाई देंगी, लेकिन पूरी दिखाई देंगी। इसका मतलब कि ये जो मिरर होगा, ये पूरे पीछे वाले रास्ते का व्यू देगा, कंप्लीट व्यू देगा, पूरे क्षेत्र को दिखाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर ये जो मिरर लगा हुआ होगा, ये उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, और इस उत्तल दर्पण में पूरा
व्यू जो है पूरी सड़क का, पीछे वाला जो भी रास्ता है वो पूरा दिखाई देता है और सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं और छोटी दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं व्हीकल्स, उनमें लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब आपके मिरर में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो आपको जितनी दूरी पर पीछे दिखाई दे रहे हैं उनसे कम दूरी पर वो आपके पास हैं। मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि छोटे हैं तो वो दूर है, क्योंकि छोटी कोई वस्तु दिखाई देती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो दूर है और इसमें जो दिखाई देगा वो छोटा दिखाई देगा, तो आप ये ना समझ लीजिएगा कि वो दूर है, वो आपके नज़दीक होगा। प्रतिबिंब उसका छोटा है लेकिन वो आपके नज़दीक है, क्लियर। तो आंसर क्या जाएगा आपका, द आंसर इज बी, उत्तल दर्पण। तो वाहनों में जो दर्पण लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट तथा टॉर्च में उपयोग किए जाने वाले दर्पण होते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, वाहनों की हेडलाइट। अब वाहनों की जो हेडलाइट होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके पीछे आपने कुछ इस तरह का एक शीशे का गोला लगा हुआ देखा होगा। तो ये जो शीशे का गोला होता है, यहाँ पर बल्ब होता है इस तरह से, ये पूरा सिस्टम है कुछ। तो कहा जाता है कि ये जो यहाँ पर लगा हुआ मिरर है, ये कनकेव मिरर या अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है, कनकेव मिरर या अवतल दर्पण होता है। और यहाँ पर ये जो बल्ब है, इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें यूँ पीछे की ओर जाती हैं और पीछे से फिर ये परावर्तित होकर एक हैवी बीम बनाती हैं और सामने की तरफ फोकस करती हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी टॉर्च या वाहनों की जो हेडलाइट्स हैं उनमें अवतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। तो आंसर जाएगा ए, अवतल दर्पण। आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर्स यूज्ड इन द सोलर फर्नेस, सौर भट्टियों में उपयोग किए जाने वाले दर्पण होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, सौर भट्टियां जो होती हैं उनमें क्या होता है। आप जानते हैं सौर भट्टियां जो होती हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित होती हैं, जो सूर्य से ऊर्जा आती है, जो ताप ऊर्जा आती है उससे संचालित होती हैं। तो जितना ज़्यादा ताप ऊर्जा सौर भट्टी पर गिरेगी, सौर भट्टी उतना ही अच्छा काम करेगी। तो सौर भट्टी पर हम फोकस करने के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मान के चलो ये सोलर फर्नेस का एक डिज़ाइन है, यहाँ पर सन है, तो यहां पर हम कनकेव मिरर्स लगाते हैं, यहां पर हम कनकेव, कनकेव का मतलब अवतल दर्पण लगाते हैं, जो कि यहां से आने वाली प्रकाश किरणों को फोकस करके इस सौर भट्टी में एकत्रित कर देते हैं, जिससे कि सौर भट्टी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत हाईली एफिशिएंट रहती है। तो निश्चित तौर पर सौर भट्टियों में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अवतल दर्पण सौर भट्टियों में उपयोग किए जाने वाले दर्पण होते हैं। तो आंसर आपका क्या जाएगा, आंसर इज ए, कनकेव मिरर। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर विल बी, मतलब आपसे कहा गया है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक अवतल दर्पण बना रहा हूं आपके सामने, ये पोल होता है, यहां पर कहीं फोकस होता है, यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में जैसे आप वक्रता केंद्र कहते हैं। अब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से अगर पास होती हुई आ रही है कुछ इस प्रकार, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ये वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आती है और यहाँ पर गिरती है तो जिस रास्ते पर आती है उसी रास्ते से ये वापस लौट जाती है, क्लियर। यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं एक अभिलंब खींचूंगा तो ये जो आने वाली प्रकाश किरण है और वापस लौट कर जाने वाली प्रकाश किरण है, क्या ये अभिलंब के साथ कोई कोण बनाएगी, नहीं, ये अभिलंब के साथ कोई कोण नहीं बनाएगी, ये अभिलंब के साथ समांतर रहेगी। और अभिलंब के साथ जो ये समांतर कोण होगा वही क्या होगा, इसका
एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण होगा, दैट इज 0 डिग्री. तो आंसर जाएगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इस एंगल को मेजर करके 90 डिग्री आंसर रख देते हैं, जो कि गलत होता है. आंसर 90 डिग्री नहीं होगा, आंसर 0 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोई कोण नहीं बनाएगी, ये अभिलंब के समांतर ही रहेगी. तो आंसर जाएगा 0 डिग्री और आंसर ए आपका सही है. चेक कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है. एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण होगा, तो आंसर 0 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द लाइटनिंग बल्ब इन सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स प्लेस्ड एट. अभी अभी हमने बात की थी वाहनों के हेडलाइट के बारे में. तो वाहनों की हेडलाइट में ये जो लगा होता है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण फोकस करता है प्रकाश किरणों को. अभी अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर ये बल्ब लगाया जाएगा और ये बल्ब जो है प्रकाश किरणें यहाँ से ऐसे गिरेंगी और इन्हें फोकस, इन्हें ये परावर्तित करके आगे की ओर भेज देगा. तो निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर या फोकस पर ही ये बल्ब लगाया जाता है, ताकि इसमें से जो निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं ये अवतल दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाएं और एक हैवी बीम ऑफ द लाइट रे प्रोड्यूस करें. तो निश्चित तौर पर ये जो सर्च लाइट्स हैं या हेडलाइट्स हैं, इनमें जो बल्ब लगा होता है ये हमेशा परावर्तक के फोकस पर लगा होता है. तो कहाँ पर लगाया गया है, ये फोकस पर लगाया गया. तो आंसर ए आपका सही है, हमेशा कहाँ पर लगाया जाएगा, फोकस पर लगाया जाएगा. चेक कर लीजिए, आंसर ए इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ विजिबिलिटी इज मैक्सिमम, दृश्य क्षेत्र सर्वाधिक होता है. ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखेंगे, तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि वाहनों में जो रियर व्यू मिरर होते हैं, यानी कि पीछे देखने वाले जो मिरर होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं. तो मैंने अभी अभी कहा था कि वो उत्तल दर्पण होते हैं. तो उत्तल दर्पण में मैंने कहा था कि देखो ये उत्तल दर्पण है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कितना एरिया ऑफ विजिबिलिटी प्रदान करेगा, ये उत्तल दर्पण और इसी के सामने मैं एक अवतल दर्पण बना देता हूं, कंपेयर कर लेते हैं. तो अवतल दर्पण कुछ इतना एरिया प्रदान करेगा विजिबिलिटी का, दिस एरिया, जबकि अवतल दर्पण के बारे में बात की जाए तो इतना एरिया विजिबिलिटी का प्रदान करेगा, यानी यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण को भी ये परावर्तित करेगा और यहाँ से आने वाले को. इसका मतलब द एरिया ऑफ विजिबिलिटी इज मैक्सिमम इन किस में, उत्तल दर्पण में. तो उत्तल दर्पण में जो एरिया ऑफ विजिबिलिटी होता है यानी दृश्य क्षेत्र होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है. इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं पीछे देखने के लिए. क्लियर? तो आंसर जाएगा आंसर बी, कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का मतलब कि उत्तल दर्पण के लिए दृश्य क्षेत्र सर्वाधिक होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17. इफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन टाइम्स लार्जर इफ द इमेज इज रियल, then what will be the distance of object from the mirror. क्लियर? आपसे पूछा गया है कि एक फोकस, f फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण एक वस्तु का n गुना आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं जरा. सबसे पहले हम जानते हैं कि आपसे कहा गया है forms the image n times larger. n times larger का मतलब है m equals to, आपको दे रखा है n. M मतलब आवर्धन, आप जानते हैं M का मतलब क्या होता है, आवर्धन. आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाया गया है. तो पहला आपको दिया गया है M बराबर N टाइम्स, यानी कि N गुना प्रतिबिंब बनाया गया है. क्लियर? दूसरा आपसे कहा गया है कि फोकल लेंथ जो है ये आपको F ही दे रखी है. क्लियर? अब आपसे पूछा है वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी, आपसे जो पूछा गया है वो u पूछा गया है. क्लियर? तो ये आपको गिवन डेटा है, आवर्धन आपको n टाइम्स दे रखा है, फोकल लेंथ आपको f दे रखी है और आपको u पूछा गया है. क्लियर? चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, मिटा दिया जाए. सबसे पहले आप लिखते हैं मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला आपसे कहता है 1/f = 1/v + 1/u.
ये आपका मिरर फॉर्मूला, ये आपका दर्पण सूत्र है, ठीक है। यहाँ से अगर आप यू एफ लिखना चाहेंगे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, एफ इक्वल्स टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला, आज के बाद आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, एफ इक्वल्स टू यू वी अपॉन यू प्लस वी, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास m होता है, m इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है v अपॉन यू, दैट इज माइनस v अपॉन यू। ये होता है हमारे जो है दर्पण के लिए मैग्नीफाई का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। और आपको m कितना दे रखा है यहाँ पर, तीन दे रखा है, तो सॉरी n दे रखा है, क्या दे रखा है आपको n, तो n इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से तो आपको मिल जाएगा दैट इज वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन यू, ये आपको मिल जाएगा। अब इस u की वैल्यू को, इस v की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू, आपके पास था f इक्वल्स टू यू वी अपॉन यू प्लस वी, एफ इक्वल्स टू यू और v की जगह आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ, अभी अभी हमारा आया था दैट इज एन यू अपॉन यू की जगह आपने u लिखा प्लस, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन यू, क्लियर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा देखते हैं, f इक्वल्स टू आपको मिलेगा यहाँ पर दैट इज माइनस एन यू स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दैट इज u माइनस एन यू, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा दैट इज एफ यू माइनस एफ एन यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन यू स्क्वेयर। आप n से एक u से एक यहाँ पर u कैंसिल कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मिल जाएगा f माइनस एफ एन माइनस एन यू, या फिर आप लिख सकते हैं एन यू बराबर दैट इज एफ एन माइनस एफ, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप एन वैल्यू पुट करना चाहते हैं, सॉरी अगर आप यहाँ से एन यू लिखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा एफ आपने कॉमन लिया एन माइनस वन मिल जाएगा, क्लियर। अब आप यहाँ से सिंपली यू जानना चाहते हैं, मैं ऊपर वाला कुछ मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, यहाँ से अगर आप u फाइंड करना चाहते हैं देन u विल बी f ब्रैकेट में n माइनस वन अपॉन n, दिस इज द राइट आंसर। आप इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, u इक्वल्स टू f n माइनस वन अपॉन n, क्लियर। आंसर चेक करते हैं, आंसर a नहीं, आंसर b, हाँ आंसर b इज द राइट, n माइनस वन अपॉन n इंटू f, तो आंसर b इज द राइट, आप इसे टिक कर सकते हैं, क्लियर। चेक कर लीजिए अच्छे से एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कनकेव मिरर इफ अ कनकेव मिरर फॉर्म्स थ्री टाइम्स लार्जर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 36 सेंटीमीटर। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व किया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, इसी का एक न्यूमेरिकल फिगर दे दिया गया है, क्लियर। आपसे कहा गया है कनकेव मिरर है और जो इमेज बना रहा है वो थ्री टाइम्स लार्जर बना रहा है, यानी m इक्वल्स टू कह रहा है थ्री, क्लियर। और आपको दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर्स। अगर आप यहाँ से फोकल लेंथ निकालना चाहते तो आप जानते हैं फोकल लेंथ ऑलवेज होती है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर r बाई टू, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसे 36 बाई टू दैट इज 18 सेंटीमीटर्स, क्लियर। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं जरा, अब तो बहुत आसान है, u आपको निकालना है n आपको दे रखा है, तो आप जानते हैं कि u इक्वल्स टू f ब्रैकेट में n माइनस वन अपॉन n, f आपने लिखा 18 इंटू n माइनस वन दैट इज 3 माइनस वन अपॉन n दैट इज 3। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको u की वैल्यू मिलेगी 18 इंटू 3 माइनस वन दैट इज 2 अपॉन 3, देन आंसर गोज टू द 12 सेंटीमीटर।
चेक कर लीजिए, यानी वस्तु जो होगी वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। आंसर ए इज़ द राइट, आप चेक कर लीजिए, आंसर ए इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट बी, इफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट पॉइंट एम एट एन एंगल 90 डिग्री विद ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी। क्लियर? कुछ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है आपको, लिखा हुआ है उसमें कि एक प्लेन मिरर है जो कि कुछ इस प्रकार जमीन पर रखा गया है, और एक कोई बिल्डिंग, कोई टावर है यहाँ पर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट एम है। आपसे कहा गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसकी इमेज डेफिनेटली यहाँ बनेगी, इसी के सामने, और आपसे कहा गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज है, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है ये एम पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा ज्वाइन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का इलस्ट्रेशन बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपसे कहा गया है दिस एंगल इज़ द 90 डिग्री, और ये जो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखी है दैट इज़ 80 मीटर की आपको ये डिस्टेंस दे रखी है। चलिए बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बिल्डिंग की हाइट h है जो कि आपको कैलकुलेट करनी है कि हाइट क्या होगी। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है पूरा, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, दैट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं हमारे पास एंगल है, बेस है और परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज टेन 45 इक्वल्स टू एच अपॉन 80, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू एच अपॉन 80, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 मीटर्स, यानी कि आपकी ये जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। चेक कर लीजिए आंसर, आंसर ए इज़ द राइट, आपका आंसर ए सही है, 80 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है बिल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इंक्लूडिंग फर्स्ट। कोई दो प्लेन मिरर है जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं आमने सामने, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 0.2 मीटर्स दे रखी है, और प्लेन मिरर्स की जो लेंथ है वो 2√3 मीटर्स है, और आपसे कहा गया है कि एक लाइट रे स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर के कोने पर, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आपको ये दो प्लेन मिरर दे रखे हैं, टू रूट थ्री मीटर लेंथ है, और इन दोनों के बीच की अगर आपसे कहा जाए तो 0.2 मीटर्स कह रखा है। एक लाइट रे यहाँ स्ट्राइक करती है इस कोने पर, और ये स्ट्राइक कर रही है 30 डिग्री पर। क्लियर? तो आपसे कहा गया है कि लाइट रे कंटिन्यूस ऐसे करके टकराएगी, और टकराती हुई बाहर निकल जाएगी, तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस ये यहाँ पर जो है होंगे इसमें, और उसे मैं पहला वाला भी आपको ऐड कर रहा, चलिए निकालते हैं, बहुत ईजी है। मैंने क्या किया, जब यहाँ पर 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना बनेगा, यहाँ 30 डिग्री बनेगा, ये एंगल 30 डिग्री है,
और अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाना चाहूँ तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। क्लियर, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने एक्स मानी, तो मैं देख रहा हूँ कि एक्स लेंथ में एक स्ट्राइक हो रहा है, अगली वाली एक्स लेंथ में यहाँ पर अगला स्ट्राइक हो रहा है, यानी हर एक एक्स लेंथ में एक स्ट्राइक हो रहा है, यानी एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बहुत ईजी है, हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा, अगर मैं इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। क्लियर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेन थर्टी इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर आपके पास x है और बेस आपका 0.2 है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू x इंटू 0.2, और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, द वैल्यू ऑफ x विल बी 0.2 अपॉन रूट थ्री, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, x x x। अगर मैं इस पूरी लेंथ को x से डिवाइड कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस मिल जाएंगे। तो बहुत आसान है, मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 2√3 डिवाइड बाई x, देन n इक्वल्स टू 2√3 डिवाइड बाई x, और x की वैल्यू क्या है मेरी 0.2/√3। तो आप देख सकते हैं इसे यहाँ पर 10 टाइम कैंसिल किया, मल्टीप्लाई होकर यह आ गया 3, तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ n मिल जाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, जगह थोड़ी कम है, तो मुझे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन n मिल जाएंगे यहाँ पर, दैट इज 10 × 3, तो n इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 30। लेकिन इसमें अभी एक और इंक्लूड किया जाना है, ये 30 कहाँ पर हैं, 30 यहाँ से शुरू हुए हैं, अभी एक रिफ्लेक्शन ये भी तो था, तो कुल मिलाकर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, दैट इज एन टोटल इक्वल्स टू 30+1, और आंसर गोज टू द 31, यानी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो 31 होंगे। आप आंसर चेक कर लीजिए, आंसर क्या है, तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर, बी सही है, टोटल 31 रिफ्लेक्शन यहाँ पर हमें मिलेंगे।